टू मुसाफिर गर्ल व्लॉग। सो मैं जाने वाली हूँ दिल्ली, तो आज मेरी रात की बस है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग। ये मेरी पैकिंग चल रही है, मतलब कंप्लीट हो गई है, बस सामान इधर ठूसा है इसमें, लाइक कोई लगाया नहीं है अच्छे से, और ये सारा सामान अभी बाकी है। ये बैग अभी रेडी है, मतलब ये भी जाएगा, और ये मेरे कपड़े पहनने वाले। और ये बनाई है मैंने पनीर की भुजिया, और रोटी भी रेडी है। बस अब निकलना बाकी है, 11 बजे की मेरी बस है, तो उसको लेकर मुझे अभी जाना है दिल्ली। दिल्ली के बाद मेरी वहां से दिल्ली से ट्रेन है मुंबई की, मैं जा रही हूँ मुंबई में। मैंने आप सबको बोला था ना गेस्ट करो, मगर आप मेरे साथ लोग गेस्ट नहीं कर पाए थे, तो मैं मुंबई बता जा रही हूँ। और अब पैकिंग डन है, तो अभी चलते हैं पहले थोड़ा सा कैस्पर को घुमाने। तो चलो कैस्पर, चलो बाहर घूमने चले। Happy boys. और आपको एक चीज दिखाऊं, देखो कैस्पर अभी चला गया है, और देखो कैस्पर बाय, मैं जा रही हूँ बाय। इसको भी खींच के लिए आता है। और फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए, बैग भी बिल्कुल रेडी है, और ये वाला पर्स लेकर जाऊंगी, तो निकलते हैं। और कैस्पो, अंधेरा हो गया बाहर, लाइट चली गई पूरी। तो अब हम निकलने वाले हैं, और सिद्धू और मम्मी आ गए हैं। हाय, अब सिद्धू और मम्मी रहेंगे यहाँ कैस्पर के पास, और हम जा रहे हैं, क्योंकि यार मैंने बताया ना कि मेरी कल की टिकट है ट्रेन की, और अभी हम निकले भी नहीं, और 10 बजे की मेरी 10:50 की मेरी बस है। पता नहीं आज तक पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी, देखते हैं आगे, अब देखते रहना आगे क्या होने वाला है। बाय, कर लो बस। क्या तो फाइनली ऑटो में भी बैठ गई हूँ, और बस पहुँचेंगे टाइम से। यही है कि पहुँच जाए बस इतना, बट मुझे ये लग रहा है कि मम्मी और को जब इतना टाइम लगा यहाँ आने में, तो हमें दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा। और उसके बाद दिल्ली जाकर शॉपिंग भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, और 4 बजे वाली ट्रेन भी पकड़नी है। वो समझ नहीं आ रहा, बस पता नहीं, भगवान भरोसे अभी सब चीज़ें। और भाई वी मार्ट से यहाँ से मेरी बस चलने वाली है, तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ से कांवड़िए जा रहे हैं लगातार, कोई ना कोई मतलब जाए जा रहा है, बाकी सामान रख रखा है यहाँ पे। और इस ऑटो से हम आए थे अभी। और भाई पता है मेरी ट्रेन बस छूट जाती, देखो ये देखिए बस यहाँ खड़ी करी है, वी मार्ट इतनी दूर था, ये भी सो रहे हैं, सोकर उठे भी नहीं है, बस एक लोंडा उठा हुआ ये रहा, बाकी सब सो रहे हैं अभी, फुल चिल्ड हो रहा है रूम। अब मैं कर लेती हूँ घर पे आके पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, जो कि होने वाली है मेरी ट्रेन जर्नी। और ट्रेन जर्नी को भी देखते रहना कि मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगी नहीं पकड़ पाऊँगी, और अभी मेरी कन्फर्म टिकट भी नहीं है, कन्फर्म टिकट का भी देखेंगे 1 बजे तक पता चलेगा। सो इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग एंड, बाय।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करते हुए जाना, आपको मुंबई के सारे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं।